नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेमंत कटारे जी। सर, क्यों वॉकआउट कर दिया गया? देखिए, जो महान पुरुषों के बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कुछ आपत्तिजनक बात करी, बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे, पहले हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इनको विलोपित किया जाए, और जब अध्यक्ष जी ने हमारा निवेदन नहीं स्वीकार किया तो उन महान पुरुषों के सम्मान में हमने बहिर्गमन किया। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा था कि भाजपा के और कांग्रेस के विधायकों में पक्षपात किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न उठ रहा है और हर विधायक कांग्रेस का जो इससे पीड़ित है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ उनसे विकास करने के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, उनके अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस के लोग हैं वहाँ उस क्षेत्र को अछूता छोड़ा जा रहा है, उन विधायकों का सम्मान नहीं रखा जा रहा है, इस चीज को भी हमने सदन में उठाया था। सर, केंद्र की नीतियों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये भी बात रखी गई थी, राज्य की नीतियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, सब लोग प्रधानमंत्री जी के जो है गुणगान करने में लगे हुए हैं और जो राज्य के जो विषय हैं उन पे कोई बात नहीं हो रही, उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ मोदी जी की तारीफों के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। इसमें हम लोग आपत्ति ले रहे हैं कि हम ये लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा की चर्चा। तो लुटेरा शब्द का जो प्रयोग किया गया, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय ने, तो इतिहास के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल, इतिहास के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और इस प्रकार के शब्द क्या विधानसभा की गरिमा के अनुकूल है? ये विचार करने वाली वाली चीज है। इतनी पुरानी पुरानी चीजों को लाके आप विधानसभा में रखें तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो सकारात्मक आगे के लिए क्या प्रदेश की योजना उन पे तो आप चर्चा कर नहीं रहे। आप कौन सा इतिहास निकाल रहे, कौन सी एनसीईआरटी किताब आपके पास है नहीं, आप लाके सदन में कोई भी बात रख देते हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हेमंत कटारे जी, जिन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। बने रही मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।